नमस्ते दोस्तों, मैं सनी हैरियर ट्रेडिंग से आपका वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए देखते हैं आने वाले वीक में बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस वीकली चार्ट पे। क्या हमारे वीकली चार्ट पे लेवल्स बन रहे हैं, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, और इसी के साथ हम पता लगाने की कोशिश करेंगे क्या ट्रेड ले सकते हैं हम ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में, और वीकली चार्ट बेसिस पे हम क्या स्ट्रैटेजी से ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं चार्ट पे कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक का बैंक निफ्टी का मार्केट। नेक्स्ट वीक का एनालिसिस करने से पहले, लास्ट वीक हमने जो एनालिसिस किया था, जो लास्ट वीक में हमने स्ट्रैंगल क्रिएट किया था, उसके बारे में एक बार रिकैप कर लेते हैं। लास्ट वीक मैंने कहा था हम 41,000 का एक पुट शॉर्ट करेंगे और 43,000 का एक कॉल शॉर्ट करेंगे। ये स्ट्रैंगल हमने जब क्रिएट किया था, हमने डिसाइड किया था कि मार्केट अगर 43 के ऊपर जाएंगी तो हम नीचे से ऊपर का पोजीशन काट के नीचे से जो पोजीशंस हमारी पुट शॉर्ट पे है तो वो पोजीशंस हम सारी रोल ओवर करते चलेंगे, और मार्केट अगर नीचे नीचे के साइड कहीं क्लोज होना स्टार्ट करता है तो हम नीचे का पुट काट के ऊपर के कॉल्स जो है सारे रोल ओवर करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये वीक में हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है 41,000 और 43,000 के स्ट्रैंगल में। मार्केट इसी रेंज के बीच में कहीं था और ज़्यादा वोलेटिलिटी ना होने के कारण मार्केट बहुत अच्छा हमें पैसा दे के गया है। चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट वीक आने मीन्स आने वाले बजट वीक में मार्केट क्या बिहेव कर सकता है और हम क्या ट्रेड ले सकते हैं ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में, और उसी के साथ हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन सेलिंग की एक स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मार्केट एक 41,500 के नियर बाय में सपोर्ट ले रहा है और एक रेजिस्टेंस लाइंस जो है वो यहाँ से इसको फॉलो थ्रू दे रही है। मार्केट अभी एक ट्रायंगल पैटर्न में आ गया है। मार्केट में नेक्स्ट वीक बजट न्यूज होने के कारण मार्केट ऊपर यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है या यहाँ से ब्रेकडाउन भी कर सकता है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या स्ट्रैटेजी से हम ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ तक चांसेस है मार्केट जाने वाली है या कहाँ तक चांसेस है मार्केट नीचे गिरने वाली है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 41,500 का एक सपोर्ट लेवल बन रहा है और ऊपर एक 43,000 का रेजिस्टेंस लेवल है। ये जो रेजिस्टेंस लेवल है और सपोर्ट लेवल है, हम इस दोनों से अपना एक दूर स्ट्रैंगल क्रिएट करने वाले हैं। अगर मार्केट देखा जाए तो लास्ट 2 वीक से एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ है, जो इसके पहले के वीक की कैंडल बनी थी वो ऑलमोस्ट इससे 1-2 पॉइंट ऊपर है, और नीचे से अगर सपोर्ट की तरह देखा जाए तो ये 20 से 40 पॉइंट ऊपर है। तो ये वीक की जो कैंडल बनी है ये एक इनसाइड कैंडल है। अब इसके बाद एक डिसाइडिंग कैंडल डिसाइड होंगी नेक्स्ट वीक में कि मार्केट अप ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है या यहाँ से डाउन ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है। अगर तो चलिए पता लगाने की कोशिश करते हैं क्या ट्रेड ले सकते हैं हम ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में। अगर मार्केट नेक्स्ट वीक ये कैंडल के टॉप को क्रॉस कर देता है तो हम 42,800 का कॉल बाय कर सकते हैं या 42,800 का पुट भी शॉर्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट इस कैंडल के नीचे आता है, मीन्स ये जो कैंडल की रेंज बनी है ये कैंडल के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो हम 41,900 का पुट बाय कर सकते हैं या 41,900 का कॉल भी शॉर्ट कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट जो रहेगा ऑलमोस्ट 41,500 के नियर बाय रहेगा और सेकंड टारगेट जो रहेगा 41,000 रहेगा। उसी तरह अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो हमारा पहला टारगेट जो रहेगा 43,100 से लेके 43,200 के बीच में रहेगा, और सेकंड टारगेट जो रहेगा नियरली मार्केट का ऑल टाइम हाई रहेगा, मीन्स 44,000। अगर हम नेक्स्ट वीक के एनालिसिस के हिसाब से ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं तो हम एट द मनी के कॉल बाय कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा नियरली 43,200 से लेके 43,300 के बीच में रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से निगेटिव साइड जाता है, मीन्स ब्रेकडाउन करता है, तो हम 42,500 का पुट खरीद सकते हैं या 42,500 का कॉल भी शॉर्ट कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट जो रहेगा 41,500 के नियर बाय रहेगा और सेकंड टारगेट जो रहेगा हमारा 41,000 रहेगा। ये रहा ऑप्शन बाइंग के लिए। अभी देखते हैं हम कि ऑप्शन सेलिंग में हम क्या ट्रेड ले सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीक मार्केट इसी कैंडल रेंज के अंदर कहीं खुलता है और एक साइड ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है या ब्रेकडाउन करने की कोशिश करता है तो हम अपने पुट शॉर्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं या ब्रेकडाउन होने के बाद कॉल शॉर्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट नेक्स्ट वीक ये लेवल को क्रॉस करता है, मीन्स 42,750 के लेवल को क्रॉस करता है, तो हम
42,700 का पुट शॉर्ट कर सकते हैं या 42,800 का पुट भी शॉर्ट कर सकते हैं एज ए इंट्रा डे लेवल पे। उसी के साथ हम 42,700 का और 42,800 का कॉल भी बाय कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट जो रहेगा 43,000 के ऊपर रहेगा और 43,100 के नीचे रहेगा। सेकंड टारगेट जो रहेगा हमारा ऑलमोस्ट 43,500 के बीच में रहेगा। चलिए अब देखते हैं, मार्केट अगर इसी कैंडल के अंदर का ही ओपन होता है और नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता है तो हम क्या ट्रेड लेने वाले हैं। अगर मार्केट 42,500 के नियर बाय का ही ओपन होता है नेक्स्ट वीक में और ये नीचे साइड ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करता है तो हम 42,400 300 के पुट खरीद सकते हैं या 42,400 या 300 के कॉल भी शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, मार्केट अगर ये कैंडल के इनसाइड में कहीं ओपन होता है और नीचे के लिए ब्रेक डाउन करता है तो हम क्या पुट की ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, क्या पुट खरीद सकते हैं और कहां तक हमारे लेवल्स रहेंगे, टारगेट्स रहेंगे, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। अगर मार्केट 42,500 के नियर बाय मीन्स ये कैंडल के नियर बाय अंदर में कहीं ओपन होता है तो हम 42,300 का पुट बाय कर सकते हैं या 42,400 का पुट भी बाय कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट जो रहेगा 41,900 से लेके 42,000 के बीच में रहेगा। वही अगर देखा जाए तो हमारा सेकंड टारगेट जो रहेगा 41,500 से लेके 41,000 के बीच में रहेगा, मींस ये 500 के रेंज में रहेगा। अगर मार्केट हमें फर्स्ट टारगेट इजीली दे देता है तो हम वेट करेंगे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके सेकंड टारगेट के लिए, और सेकंड टारगेट जैसे ही हमें मिलना स्टार्ट करता है तो हम अपना सेकंड टारगेट के पास स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए अब देखते हैं वीकली चार्ट बेसिस पे हम क्या स्ट्रैटेजी से ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट ये वीक का अगर आप देखते हो तो मार्केट एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ है, मीन्स ये कैंडल से नीचे भी नहीं गया है और ये कैंडल के ऊपर भी नहीं क्रॉस हुआ है, तो यहाँ पे मार्केट एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ है। अगर देखा जाए तो हम जो स्ट्रैटल क्रिएट करने वाले हैं वो 41,000 का पुट शॉर्ट करने वाले हैं और उसी के साथ 43,800 या 500 के रेंज के बीच में हम एक कॉल शॉर्ट भी करने वाले हैं। लास्ट वीक हमने 41,000 का पुट शॉर्ट किया था और 43,000 का कॉल शॉर्ट किया था, जो हमें इस वीक में बहुत इजीली प्रॉफिट दे गया है। अगर आप लास्ट वीक का टेक्निकल एनालिसिस देखना चाहते हो तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां क्लिक करके लास्ट वीक का टेक्निकल एनालिसिस देख सकते हो। ये ट्रायंगल क्यों क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि हमने देखा है कि यहाँ पे मार्केट एक 41,500 का सपोर्ट ले रहा है और एक 42,700 से लेके 800 के बीच में एक रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंपटीशन ये कैंडल्स को दे रहा है अभी के कंडीशंस में। बट यहाँ नीचे से देखा जाए तो बहुत अच्छा खासा सपोर्ट आ रहा है मार्केट में ऊपर जाने के लिए, बट नेक्स्ट वीक बजट होने के कारण, उसमें कुछ न्यूज़ होने के कारण मार्केट में एक तो हमें ब्रेकआउट मिल सकता है या ब्रेकडाउन भी मिल सकता है। इसीलिए हम 41,000 का पुट शॉर्ट कर रहे हैं और 43,500 से लेके 43,800 के बीच में कॉल भी शॉर्ट कर रहे हैं। आपके हिसाब से कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर के लिए ले सकते हो। अगर मार्केट नेक्स्ट वीक ये कैंडल को ब्रेकआउट करता है तो हम अपनी ऊपर की पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर देंगे, मीन्स ये वाली पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर देंगे और नीचे से हमने जो पुट शॉर्ट करे है उसको हम ये पोजीशन के साथ मैच करने के लिए हम नीचे से अपनी सारी पुट की पोजीशंस रोल ओवर करते चलेंगे ऊपर के लिए। जैसे जैसे हमें अपने टारगेट मिलते जाएंगे हम सारे स्टॉप लॉसेस अपने स्ट्रिक्टली ट्रेल करते चलेंगे। अब मान लेते हैं मार्केट अगर यहाँ से गैप ब्रेक डाउन करता है तो हम नीचे का जो पुट 41,000 का पुट जो शॉर्ट किया है हमने वो स्क्वेयर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे और ऊपर के जो कॉल है उसको रोल ओवर करते चलेंगे हम नीचे के लिए, और जो भी हमारे नए कॉल्स बनते जाएंगे उनके स्टॉप लॉसेस हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते चलेंगे नीचे साइड के लिए। जैसे जैसे हमारे टारगेट्स हिट होते जाएंगे हम अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ नीचे की जो करने वाले हैं उसके बजाय हम इन्हीं पैसों से ऊपर भी पोजीशंस बनाने वाले हैं। तो हमारा नीचे के लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो 41,000 के लिए रहेगा और ऊपर के लिए जो रहेगा वो 43,500 से लेके 43,800 के बीच में रहेगा। तो दोस्तों ये रहा बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस नेक्स्ट वीक मींस आने वाले वीक के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।